ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 1 ਇਅਰ ਤੇ ਪਰ ਡੇ ਹੈਗਾ $7 ਤੇ 1 ਇਅਰ ਹੈਗਾ 100 ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਓਪਨ ਹੈ ਸੋ $7 ਹੈਗੇ एक कैंप ग्राउंड है सो जे लोग पिकनिक मना आते हैं वो अपनी RV मोटर होम लैके इतने आते हैं तो इतने पार्क करते हैं नाल नाल लेक हैगी है तो बड़ा इंजॉय करते हैं चिल करते हैं मोटर होम का यह फायदा है कि कोई आपू जिस तरह होटल रूम नहीं लेना पैंदा अपनी RV मोटर होम इतने लैके आओ तो सारी सुविधा मिल जाती है इतने पानी बिजली जो भी है सारी सुविधा मिल जाती है वह एक रेंट हों देना पैंदा $30 $50 कैंपिंग जिहड़ा ग्राउंड कैंप ग्राउंड हैगा उहदे मुताबिक रेट प्राइज होंदे ने सो इत्थे सारीआं सुविधा सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैगी है एक बहुत वड्डा इह कैंप ग्राउंड हैगा तुसीं वेख सकदे हो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ सो आप जिस तरह एक मोटर होम ले लैने तो उन्होंने मोटर होम भी कह सकते हैं तो RV भी कह सकते हैं सो वो लैके आप कि भी जाने किसी सिटी के जाने घूमन फिरन जाने सो उ सब तो पहला आपको एक कैंप ग्राउंड चाहिए होंगे नाइट स्टे वास्ते ठीक है जी उस तो बाद बुक करना पैंदा वो चार्जस होंगे ने $10 $20 नाइट के ठीक है जी तो वह आपको बुक करना पैंदा तो उत्थे जाके आप रात को अपना मोटर होम लगा दें उहदे विच आपां नूं फैसिलिटी मिलती है जिस तरह कि असी कैंप ग्राउंड दे विच मोटर होम नूं लगा दिता उत्थे बिजली पानी सीवरेज जो भी सी पानी भरना हुंदा सीवरेज खाली करना तो आपां नूं बैटरियां चार्ज करन वास्ते भी बिजली चाहीदी हुंदी है सारी सुविधा उत्थे आपां नूं कैंप ग्राउंड दे विच मिलती है ठीक है जी जिस तरह कि तुसीं देख सकते हो कि ये पिछे मेरे मोटर होम लग्या होया सो इत्थे सारी सुविधा उन्हें मिल रही है बिजली पानी सारा कुछ मिल रहा है तो नाल इत्थे ये हैगा कि लेक भी हैगी है ठीक है जी इत्थे मैं आके वेख्या ज़्यादातर मोटर होम लगे हुए ने सारे पासे लेक दे नाल नाल किनारे ते मोटर होम हैगे ने बहुत सारे लगे हुए ने सो ये एक इंजॉय कर रहे ने लोग चिल कर रहे ने ठीक है जी तो मैं तो एक लेक सर्च की सी तो उस हिसाब ना मैं इतने आया बट इतने आके मैं वेख्या कि सारे RV मोटर होम बहुत सारे लगे हुए सो मैनू लग्या कि वीडियो तुहाडा शेयर करनी चाहिए है क्योंकि ये एक कैंप ग्राउंड है ठीक है जी कैंप ग्राउंड है इतने मोटर होम ला के लोग चिल करते हैं अपना इंजॉय करते हैं तो इस तरह ही इतने प्रोसैस होंगे कि जिन्हें भी मोटर होम आप लिया होया तो जिते जाके स्टे करना वो कैंप ग्राउंड बुक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे क्योंकि उस तो बिना आप इनू आप स्टे नहीं कर सकते या वालमार्ट या होर भी कि आप रात को स्टे कर सकते हैं बट उत्थे आपां नूं ये सुविधा नहीं मिलती जो फैसिलिटी इतने मिलती है सानू वो उत्थे नहीं मिलती
ठीक है जी। तो एक वीडियो बना रहा मैं ताकि सारयां नूं होर भी पता लग सके कि इहदा की प्रोसैस हुंदा मोटर होम का। सो मैनूं इत्थे बहुत वधिया लग्या कि बहुत पीसफुल प्लेस हैगी है, बहुत सोहना इत्थे एरिया हैगा, बड़ी शांति हैगी है। सो बहुत मैं भी इत्थे चिल कर रहा, ठीक है जी। तो वीडियो जो वधिया लगी प्लीज़ लाइक तो शेयर करो, तो तुसीं मैनूं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आई डी है singmedia32। कोई भी आंसर क्वेश्चन करोगे मैं आंसर जरूर कराँगा, ठीक है जी। सो हुण तुसीं ड्रोन शॉट भी वेखोगे, मैं इहदे विच ड्रोन शॉट ऐड कराँगा, ठीक है जी। तुसीं इंजॉय करो। जी पंगा पै गया ड्रोन टुट गया जी, आ वेखो। एक्चुअली मैं वैसे तो मैं प्रॉपर इनू फ्लाई कर लैना, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, बट वो ना क्विक शॉट आते हैं, चार पाँच क्विक शॉट होंगे ने भी, उन्होंने तुम क्विक शॉट कर दो, वो अपने आप सर्कल लेंदा है या इस तरह उपर न चला जाता है, वो क्विक शॉट लेंद्या उन्होंने पता नहीं होंगे, फिर वो अपने हिसाब न घूमता है, वो फिर घूमते घूमते पेड़ के वज्जा जाके दरख्त के तो डिग थले डिग्या तो यदि लत्त जी है यदि लैग ये टुट गई है, तो एक यदा पर हैगा वह भी टुट गया, वेखो हाँ जी अद्धा ये भी टुट गया। सो ये नुकसान हो गया हूँ, एकदम थले आके डिग्या, इन्ना शुक्र है भी दरख्त के उपर नहीं अड़ गया, जो उत्थे फस जाता तो उन्होंने उतारन वास्ते मेरे कोई चीज़ है नहीं सी, तो मैं उन्होंने थले नहीं उतार सकता ही, बड़ा औखा हो जाना ही। इन्ना शुक्र है कि वह दरख्त के विचों फसदा 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 थले गिर गया। सो यदि एक लैग जी टुट गई है प्रॉपर, तो इनू मैं हूँ रिपेयर करना देवगा, क्योंकि मैं यदि इंश्योरेंस ली हुई है, इंश्योरेंस के साल के दो साल के दो एक्सीडेंट होंगे या डैमेज जो हो जाता है उन्होंने आप चेंज करा सकते हैं, उन्होंने ठीक करके देंगे। सो इन्ना शुक्र है कि मैं यदि $200 की सी इंश्योरेंस, वो मैं इंश्योरेंस यदि $200 की ली है, ठीक है जी। वो करके मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं होएगा, थोड़ा बहुत जो पे करना होएगा शायद, बट मैनू लगता नहीं क्योंकि वो इनकलूड होंगे, मेरे ख्याल शायद दो बारी डैमेज जो ठीक करके देंगे ने साल दे के दो साल के। सो $200 की इंश्योरेंस है, तो या 50 पे करने पैणगे या शायद नहीं, चलो जो भी होएगा, बट ये बच गया जो उपर रह जाता तो पेड़ के फिर मेरे लिए बहुत औखा हो जाता, क्योंकि ये भी जो डैमेज भी हो जाता ना उन्होंने आप देना होंगे, जाके दे के फिर वह ठीक करके देंगे या नवा पीस देंगे जो भी होएगा। तो चलो ठीक है जी, जे वीडियो वधिया लगी प्लीज़ लाइक तो शेयर करो, तो चैनल में सबसक्राइब करो, प्रेस द बैल आइकन ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुहानूं टाइम नाल मिल सके। सो हुण आपां मिलांगे जी नैक्सट वीडियो दे विच, उदों तक कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, प्लीज़ बी सेफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।